नमस्ते नोम शांति आप सब श्रोताओं को, आपको स्वागत है आपके ही चैनल पर सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। इस चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जो भी लोग इसको इंस्टाग्राम में सुन रहे हैं, और आपके लिए स्पेशली इस लिंक पे जा करके आप सिर्फ ये वरदान नहीं, आप योगासन्स, डाइट, रिलेशनशिप्स के बारे में और साथ ही साथ सोने की कला सब कुछ सीख सकते हैं इसी चैनल पर। तो आज के चैनल में हम आगे बढ़ेंगे, आज के इस वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या है और चाहते क्या हमसे, एक ऐसी युक्ति बताते हैं जिसके द्वारा अगर उसको हम स्मृति में रखें तब ही जीत हो सकती है, सिर्फ सुनने से जीत नहीं हो सकती। तो देखें आज परमात्मा पिता कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं साकार और निराकार बाप। साकार बाप मतलब ब्रह्मा बाबा और निराकार मीन्स सुप्रीम गॉड फादर। सो एडम एंड गॉड दोनों की स्मृति, दोनों का साथ, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूरत भवा। तो दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। दोनों का साथ छोड़ा वहीं पाप होता है। जहां साथ है वहां बाप है और वहां पाप नहीं है। तो परमात्मा कहते क्या है इसको विस्तार में देखेंगे। बाबा कहते हैं जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर, आत्मा निराकार है और शरीर साकार है, फिजिकल है शरीर, दोनों के संबंध में हर कार्य कर सकते हो। तो दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तब हम कार्य कर सकते हैं, कोई भी कर्म कर सकते हैं। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए परमात्मा पिता को और ब्रह्मा जो हमारे एग्जाम्पल बने, ब्रह्मा मीन्स एडम, जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा कलयुग को समाप्त करके सत्युग की स्थापना करते हैं, उनकी याद दिला रहे हैं पापा। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफल मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है, बाप और दादा दोनों का कंबाइंड रूप सम्मुख है, तो जरूर उनसे वेरीफाई कर करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। अगर उनसे वेरीफाई किया, जैसे किसी बड़े बुजुर्ग से हम पूछते हैं कोई कार्य करने से पहले कि पापा मम्मी ये काम करें या दादा दादी ये काम करें, वैसे यहाँ पर बाप दादा से वेरीफाई किया कि ये कार्य ठीक है कि नहीं है, उसके बाद में जाकर के उस कर्म को किया, तब जाकर के सफलता मिलेगी। फिर पापा कहते हैं निश्चय और निर्भयता से करेंगे तो समय डर नहीं रहेगा हमें, इससे समय और संकल्प की बचत होगी। समय भी बचेगा क्योंकि हम और लोगों से नहीं पूछेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 वैरायटी के आंसर मिलेंगे, लेकिन परमात्मा पिता से पूछेंगे या परमात्मा पिता से मिल करके मेडिटेशन में उनसे बातचीत करेंगे तो आंसर्स मिलते हैं और टाइम नहीं वेस्ट होता है। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, ज़्यादा थॉट्स भी नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे, ज़्यादा संकल्प नहीं उत्पन्न होंगे, डाउट नहीं उत्पन्न होगा, क्वेश्चन नहीं उत्पन्न होंगे, बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। तो अगर उसमें ट्रुथफुलनेस है, उसमें सत्यता है, परमात्मा तो सत्य है, तो परमात्मा और दाता के सामने रखने से वो चीज़ सफल होगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा, कोई भी उसमें नेगेटिविटी नहीं होगी, सब चीज़ पॉजिटिव होगी। तभी कहते हैं ना कोई भी कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं, भगवान की याद करते हैं या भगवान की याद में वो कार्य करते हैं। आप दुकान खोलते हो या अपना घर में घर गृह प्रवेश करते हो तो हर चीज़ में भगवान की याद में करते, पूजा कराते हो, लेकिन परमात्मा कहते हैं दिनचर्या में हर सेकंड में भगवान को याद करके करें तो कोई पाप नहीं होगा। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि इस चीज़ को स्मृति में रखो और सदा बाप दादा को सामने रखते हुए आगे बढ़ो। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान चाहता है हमसे कि हम और गहराई से परमपिता परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ें और सांसों श्वास हर घड़ी भगवान को आगे रखते हुए, परमात्मा पिता को, निराकार परमात्मा को आगे रखते हुए आगे बढ़े, ताकि कोई भी कार्य सफल हो। नहीं तो हम डाउट में होते हैं, नहीं तो हम और ही कार्य को बिगाड़ते जाते हैं, सफल करने की जगह और कार्य बिगड़ता है तो आगे बढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो परमात्मा आज हमसे ये चाहते हैं, हम देखें इस चीज़ को कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं हर कार्य में, हर एरिया ऑफ लाइफ में। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, आपका दिन सफल हो। ओम शांति।